आजकल एनसीईआरटी के कविता को लेकर खासा विवाद छिड़ा हुआ है, और जिस कविता को लेकर विवाद है वो कक्षा एक की रिमझिम नाम की किताब से ली गई है। तीसरे चैप्टर की ये कविता है, इसका शीर्षक है आम की टोकरी। एक पक्ष या कविता, इसमें प्रयोग हुए शब्द जैसे कि छोकरी, चूसना, दाम इत्यादि के कारण द्व्यर्थी और बाल मजदूरी को बढ़ावा देने वाला नजर आ रहा है, वही दूसरे पक्ष में इसमें कुछ गलत नजर नहीं आ रहा है। पहले आप कविता को पढ़िए। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा कर टोकरी हमने बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है। अब इस कविता के नीचे कुछ और भी बातें लिखी है, मसलन कि लिखा गया है कि बच्चों से बात करें और पूछे कि वो ऐसे किसी मजदूर को जानते हैं जो स्कूल जाने की जगह पर बाल मजदूरी कर रहा हो, अगर हाँ तो उन्हें बताएं कि वो उस बच्चों की किस तरह से मदद कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो सो कॉल्ड जो एक समाज है जिन्हें लगता है कि छोकरी या टोकरी या दाम इस तरह के शब्द से उनके बच्चे बिगड़ जाएंगे या फिर उन्हें लगेगा क्या, जो नहीं आगे चलकर उनके बच्चे इसी तरह का शब्द का प्रयोग करेंगे, तो उन्हें मैं ये बता दूं कि आंचलिक भाषा में इस तरह के शब्दों का बहुत अच्छे से प्रयोग किया जा रहा है, और छोकरी कोई गलत शब्द नहीं है, ना कि दाम भी कोई गलत शब्द है। लेकिन हमारे एक 2009 के आईएएस ऑफिसर ने ट्वीट किया है, तो भाई लाजमी है कि लोग उस पर टूट ही पड़ेंगे, क्योंकि बड़े लोग हैं तो बड़ी बड़ी बातें होती है। लोग ये बोल रहे हैं क्या, जो हिंदी भाषा जो है उसका गिरता स्तर बहुत ही गिर रहा है, और उसकी अपेक्षा हाय तौबा मचाने के लोग इस निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग आजकल सारे किताबों और पाठ्यक्रमों में कर रहे हैं। ये रचना जो है सुनिश्चित रूप से नहीं छपनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, मगर कुछ लोग हैं जो इस पक्ष में है कि नहीं, ये एक सहज कविता है जिसे आसानी से लोग समझा जा सकता है, और इस कविता में कुछ भी ऐसा द्वार्थी शब्द का प्रयोग नहीं है। यदि लोगों को लगता है कि छोकरी या दाम या इस तरह के द्वार्थी शब्द है तो वो गूगल कर सकते हैं, ले सकते। और बहुत सारे लोग जो है ट्विटर पर जो बिना जानकारी के और जो जम कर गए, जो भाई एक बहुत बड़े आदमी ने या एक सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल ग्रुप ने इसके बारे में भेजा है, तो पहले वो हिंदी साहित्य के बारे में कुछ भी जानकारी जुटा ले, उसके बाद वो हो हल्ला मचा सकते हैं। उन्हें हो हल्ला मचाने से कोई नहीं रोक रहा है। बस इसी नोट के साथ कि कविता को कविता रहने दो, और किसी भी जगह पर उसे इस तरह से बदनाम करने की कोशिश मत करो। हाँ मुझे पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोग बहुत सारे लोग खाली हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्वीट को रिट्वीट करते रहो और किसी भी चीज़ को बैन करवा दो। नमस्कार।